हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज फिर से हम लोग सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। एंड जैसा कि मैंने चुनाव के पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कि सिल्वर के प्राइस में काफ़ी कमी आ सकती है, वैसा ही हो रहा है। ऑलमोस्ट सिल्वर 1 लाख रुपए तक गया था, उसके बाद अभी 89,000 पे आ चुका है। तो मतलब काफ़ी ही ड्रॉप आया है सिल्वर में, और मैंने कहा था कि गोल्ड एक रेंज में रह सकता है, तो वैसा ही हो रहा है। आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है। तो अभी चलते हैं, लेटेस्ट देखते हैं। अभी है 10 जून, अभी क्या हालत है सिल्वर और गोल्ड पे वो देखते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है और मैं थोड़ा समझने का कोशिश करता रहता हूँ सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड विल रिप्लेस द डॉलर, तो मुझे थोड़ा सा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट देखते हैं समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, या फिर अभी आने वाले टाइम में गोल्ड सिल्वर की क्या क्या चीज़ें हैं। पहले टेक्निकल देखेंगे और फिर न्यूज़ बेस देखेंगे। तो डायरेक्टली पहले तो चार्ट्स पे आ जाते हैं। ये चार्ट्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है सिल्वर 89,000 पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है वो नीचे ही है, वो सपोर्ट है 80,000 पे। और ये जो सपोर्ट है ये मेरे को लगता है कि टूटेगा, क्योंकि ये काफ़ी ही न्यू सपोर्ट है, अभी अभी बना हुआ सपोर्ट है। और इसका कैसा है कि सिल्वर इज़ वेरी वॉलेटाइल, मतलब ऐसा 10-20% ऊपर नीचे इजीली होता है सिल्वर। तो एक अगर मैं देखूं अभी 89,000 पे है, यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 10% का करेक्शन दिखता है, तो ये मेरा मानना है। और सिल्वर का ये डेली का चार्ट है, मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो हाँ, बड़े लेवल्स पे सपोर्ट है। आप देखेंगे तो अगर मैं पीछे जाऊंगा, अभी इसमें दिखा नहीं रहा है चार्ट, बट बहुत साल पहले सिल्वर गया था ऑलमोस्ट $30, जो बोल सकते हो आप ये सपोर्ट है डॉलर्स रेंज में। बट इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो अभी मुझे काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि ऑफकोर्स ये लेवल क्रॉस करेगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ से एक बार वो 80,000 पे आएगा, ये जो इसका मैसिव सपोर्ट है, और फिर वहां से बाउंस बैक करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप बताइए, ये जो रैली आई है, मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है इंटरनेशनल कंसर्न्स तो हैं, चाइना भी है, यूएस की पॉलिसीज भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, बट कहीं ना कहीं इंडियन इलेक्शन भी थे। और आप देखेंगे जब से इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, 29 मई को इसने टॉप मारा था, उसके बाद ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 10% करेक्ट हो चुका है, और भी 10% का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और गोल्ड में भी सिमिलरली, गोल्ड का कैसा है, देखिए गोल्ड का थोड़ा सा लाइकिंग ज़्यादा रहता है, और गोल्ड का मुझे ऐसा लगता है कि इतना करेक्ट नहीं होगा जितना सिल्वर करेक्ट हो सकता है, बट ये है कि हाँ गोल्ड भी करेक्ट होगा। गोल्ड भी ऑलमोस्ट यहाँ अभी अपने टॉप से 5% तो करेक्ट हो गया है, 7% करेक्ट हो गया है। जो इसका गोल्ड का टॉप है 75,000 का है, 74,500 का है, तो ऑलमोस्ट 70,000 71,000 पे चल रहा है, तो 5% का तो करेक्शन हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5% का करेक्शन आ सकता है। बट यहाँ पे गोल्ड मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा करेक्ट होगा, बट हाँ अगर थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो 5% और करेक्ट हो सकता है गोल्ड भी। मैं आपको जो बता रहा था चांदी का, इंटरनेशनल मार्केट में जो चांदी का आपको मैं सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो दिखा देता हूँ मैं आपको अभी। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का पुराना सपोर्ट है, अगर मैं मंथली चार्ट में बात करूँ, बहुत पुराना सपोर्ट है चांदी का, ये आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा था ना इंटरनेशनल मार्केट की, तो ये ऑलमोस्ट 13-14 साल पुराना सपोर्ट है, जो $30 के आसपास आप देख रहे हैं ये
26 डॉलर, और फिर ये 26 to 30 डॉलर की इसमें रुका था चांदी 2 बार और फिर नीचे गिरा था। तो चांदी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं बात करूं 2011 में चांदी गया था 50 डॉलर के आसपास, और उसके बाद फिर 2000 इंटरनेशनल रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2015 में ये 13 14 डॉलर पे आ गया था। आप खुद सोचिए चांदी कितना वॉलेटाइल है। तो इतनी वॉलेटाइलिटी तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10%, 80,000 तो अभी मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, 80,000 तो जाना जा सकता है, ऐसा लग रहा है ये चार्ट देख के। जो वॉलेटिलिटी है इसमें चांदी में, गोल्ड में इतनी नहीं है, बात आपके सामने है चांदी, आप खुद देखिए चांदी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर आप चांदी में ट्रेड करते हैं तो काफी कॉन्शियस होके कीजिए, क्योंकि चांदी का कुछ भरोसा नहीं है। और हाँ, कुछ टाइम के लिए बहुत ऊपर भी जा सकता है, कुछ टाइम के लिए बहुत नीचे भी जा सकता है। तो दोनों साइड के मूव देता है चांदी, जो है ना एक दोधारी तलवार तलवार की तरह है। ये जाएगा ऊपर जाएगा इतना जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे आएगा तो इतना जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलेस गोल्ड का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल है। गोल्ड का अगर हम लोग देखें तो गोल्ड इज समथिंग की ठीक है, पहले बहुत वॉलेटाइल होता था गोल्ड, मतलब 2011 में गोल्ड भी गया था 1800-1900, और फिर आया था 1100 पे। वो एक जो मूव थी, जो चांदी में भी थी गोल्ड में भी थी इंटरनेशनल मार्केट में, वैसी मूव फिर से आना आई डोंट थिंक पॉसिबल है गोल्ड में। चांदी में आ सकती है, बट उसके बाद गोल्ड ने इतनी बड़ी, इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हुआ है गोल्ड। हाँ हुआ है, मतलब एक बार 2000 पे गया है और फिर 1600 पे आया है। हाँ 20% का मूव दिया है इंटरनेशनल मार्केट में एक दो बार, लास्ट 10 साल की बात करूं, बाकी इतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है जितना चांदी ने मूवमेंट दी है। आप देखेंगे चांदी यहाँ से लेके सिर्फ सीधा आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया। चांदी के लिए 20% की मूव कोई बड़ी बात नहीं है, 20-25% की मूव का चांदी इजिली दे देता है। अगर आप 96-97 पे गया अभी चांदी, इंडियन कंटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इजिली 80 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये सब 20-20% की मूव है चांदी की। आप देखेंगे तो जो चार्ट पे मैं आप दिखा रहा हूँ ना, ये मंथली चार्ट है। बाकी अभी देखते हैं न्यूज का क्या कहना है। सिल्वर प्राइस में टच 1 लाख रुपीज, शुड यू इन्वेस्ट। ये अलग अलग मोतीलाल ओसवाल सेटेड सेवरल फैक्टर ड्राइविंग सिल्वर प्राइस इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एंड इट्स रोल एज अ सेफ हेवन एसेट। मोतीलाल ओसवाल, ये अप्रैल का, 10 अप्रैल का न्यूज है, तब इन्होंने बोला था कि सिल्वर 1 लाख पे जा सकता है, तो गया भी, बट अभी 1 लाख से फिर 80,000 पे भी मेरे को लगता है आ सकता है। सिल्वर प्राइस हैव बीन ऑन अ स्टडी राइज इन 2014 रीचिंग, तब ये अप्रैल में 81,000 पे था, और 7% वो बड़ा था। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल इज वेरी पॉजिटिव ऑन सिल्वर फ्यूचर, प्रेडिक्टिंग प्राइस टू रीच 1 लाख रुपीज एंड पोटेंशियली इवन 1.2 इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ऑन अफकोर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि सिल्वर 1.25 लाख भी जाएगा, बट उसके लिए 80,000 75,000 भी दिखाएगा एज पर एस चार्ट को अगर देखें तो। सिल्वर प्रेशर बाय रोबर्ट रोबस्ट यूएस लेबर मार्केट एंड चाइना हॉल्ट ऑन बुलियन बाइंग। इनका कहना है कि सिल्वर सिल्वर प्राइस फास्ट कर सिल्वर विल हॉक हॉक विल हॉकिश फेड पॉलिसी कंटिन्यू टू वेट। सिल्वर प्राइस इज फास्ट फॉल शार्पली आफ्टर चाइना स्टॉप बुलियन परचेज रेजिंग कंसर्न अबाउट फ्यूचर वैल्यू। अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, 9 जून की न्यूज है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि चाइना ने बंद कर दिया है बुलियन परचेज, तो सिल्वर का प्राइस नीचे आ रहा है और भी आ सकता है। रोबस्ट यूएस लेबर मार्केट कंपेल्स फेड टू कीप रेट साइड वेइंग ऑन सिल्वर प्राइस, ट्रेडर एक्सपेक्ट फेवर रेट कट स्ट्रेंथनिंग द डॉलर एंड मेकिंग सिल्वर कॉस्टियर फॉर ओवरसीज बाय। सिल्वर प्रेशर बाय रोबस्ट, जो रोबस्ट यूएस लेबर मार्केट है और चाइना का जो हॉल्ट हुआ है बुलियन बाइंग पे, उसके कारण सिल्वर में कट आ सकता है, ये लेटेस्ट न्यूज है। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना 80,000 पे आ सकता है, तो ये न्यूज के ये लेटेस्ट न्यूज है कि सिल्वर प्राइस एंडेड लास्ट वीक शार्पली लोअर एरेजिंग अर्लियर गेन्स। द डाउन टाउन वॉज प्रिमिनली ड्रिवन बाय चाइना हॉल्टिंग बुलियन परचेज, जैसा आपको बताया। तो द वीकली चार्ट इंडिकेट सिल्वर नियर टर्म वैल्यू एट 22
टू 22 डॉलर के आसपास सकता है। तो 22 डॉलर अगर मैं देखूं तो अभी चल रहा है 29 डॉलर। ये तो 22 डॉलर की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट है, एंड इंटरमीडिएट ये तो ऑलमोस्ट 30% की बात कर रहे हैं, 30-40% की बात कर रहे हैं। मतलब अगर सिल्वर अभी 90 हजार पे है तो इनका कहना है भाई 30 हजार भी करेक्ट हो सकता है। द वीकली चार्ट इंडिकेट सिल्वर नियर टर्म वैल्यू एट 22 एंड इंटरमीडिएट टर्म वैल्यू, ये चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड मार्केट क्लोजिंग ऑन वीक साइड ऑफ फ्यूचर डिक्लाइन टूवर्ड्स आर एंटिसिपेटेड। इनको एंटिसिपेटेड है कि 21-22 डॉलर तक भी जाएगा। ये तो 30-40% की कट देख रहे हैं जो ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये न्यूज। ये रॉबर्ट कियोसाकी बोले थे कि सिल्वर और चाइना खरीदो, सिल्वर और सोना खरीदो और बिटकॉइन खरीदो, बट मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि ये खुद बैंकक्रप्ट हो गए थे। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। अभी जो इंसान खुद बैंकक्रप्ट हो गया है तो वो जो बोलेगा उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। ये बाकी इन्होंने ऐसा कहा है कि सिल्वर बढ़ेगा और ये पॉजिटिव है सिल्वर पे, इनका ये कहना है। बिटकॉइन विल रेस 3.5 लाख जाएगा बिटकॉइन, ऐसा उन्होंने कहा था। इट्स नॉट अ लाइड, इट्स अ प्रेडिक्शन, इट्स स्पेकुलेशन, इट्स एन ओपिनियन, बट इट्स नॉट अ लाइड, इट्स अकर बैट बट इट्स नॉट अ लाइड बिकॉज एनी प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। इन्होंने चांदी के लिए भी बहुत ही बुलिश इन्होंने कमेंट्री की है, बट पर्सनली मुझे इनके ऊपर बिलीव नहीं होता है। सिल्वर प्राइस फॉरकास्ट, सिल्वर कंटिन्यूज टू शो मैसिव वॉलिटिलिटी। ये जो एक्सपर्ट हैं बड़े बड़े जो फॉरेन के एक्सपर्ट हैं, द सिल्वर मार्केट प्लंज ऑन द फ्राइडे आफ्टर द स्ट्रॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड ड्रॉप रिपोर्ट टू द यूएस एज अ ट्रेडर आर सडनली वरीड दैट द फेडरल रिजर्व मे नॉट कट रेट्स एनी सून। तो अगर फेडरल रिजर्व रेट नहीं कट करता है तो एनी सुन इसमें वॉलीटिलिटी बढ़ेगी और सिल्वर के प्राइस नीचे आएंगे। सिल्वर मार्केट टेक्निकल एंड सिल्वर एब्सोल्युटली प्लम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सीजन ऑन फ्राइडे आफ्टर द जॉब नंबर्स आउट हॉटर देन एंटीसिपेटेड। इट अपीयर दैट ट्रेडर आर बैकिंग ऑन द आइडिया दैट द फेडरल रिजर्व विल हैव टू कीप द मॉनेटरी पॉलिसी टाइटर फॉर द लॉन्ग, देयरफॉर इट विल कुड पुट डाउन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द मेटल। तो डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है और जो ट्रेडर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है द फेडरल रिजर्व विल हैव टू कीप मॉनेटरी पॉलिसी टाइटर फॉर द लॉन्गर टाइम। सिल्वर ऑफ कोर्स एक्सट्रॉर्डिनरी सेंसिटिव ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज वोलेटाइल मार्केट टू बिगिन। फर्दरमोर सिल्वर आल्सो प्लेस द सेकंड फिडल टू द गोल्ड मार्केट, सो देयरफॉर यू नीड टू पे अटेंशन टू द गोल्ड बिफोर सिल्वर। इफ गोल्ड रेलीज दैट कुड गिव हेड्स अप टू द सिल्वर, अगर गोल्ड बढ़ता है तो सिल्वर का भी रेट बढ़ेगा। इफ यू कैन रिकैप्चर द 30 लेवल That will be a very bullish sign, but we have just wiped out 2 days of recovery, very short order. And under we have the 50-day EMA. इनका यही कहना है कि जो सिल्वर का 30 डॉलर्स का लेवल है, अगर वो फिर से क्रॉस के ऊपर जाता है तो बुलिश हो जाएंगे ट्रेडर्स, अदरवाइज तो बेरिश ही है। तो अभी तो हम लोग 30 डॉलर के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। टॉप स्टोरी दिस गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस ड्रॉप एनएससी ग्लिचेस स्प्रॉट डिब्यूट कॉपर ट्रस्ट। तो ये सब अभी सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिल्वर नीचे आएगा। द येलो मेटल रोज एट हाई वाइल द यूएस फेडरल। तो मेरा जो मैं आपको बता रहा था हर न्यूज में यही दिया हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि सिल्वर का जो प्राइस है और नीचे आ सकता है। और नीचे कितना आ सकता है? 22 डॉलर के आसपास अगर चार्ट्स को आप देखेंगे या दूसरी चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे कि सिल्वर कितने बड़े बड़े करेक्शन देता है। गोल्ड के लिए इतने बेरिश नहीं है लोग, बट हाँ गोल्ड का भी थोड़ा बहुत 5-10% का करेक्शन आ सकता है। आप मुझे बताइए आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिला नहीं मिला या कुछ थोड़ा भी आपको एनलाइट हुआ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Thank you. Have a good day. Bye. Take care.